उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने इन 80 डिस्ट्रिक्ट में कहा कि इन 100 डेज में हर हफ्ते एक एक कैंप लगाओ, जिसमें बैंक वाले भी आएंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले भी आएंगे, ताकि लोगों में उसकी अवेयरनेस हो और लोग अपने काम को बढ़ा पाए। ये इसका बेसिक एम था। और जो एमएसएमई सेक्टर जो है, एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है हमारी ग्रोथ में। 45% के करीब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, इसी अराउंड 40-45 एक्सपोर्ट भी जनरेट हो रहे हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी स्कीम लेकर आई थी, मुद्रा मेरा ख्याल आप लोगों को पता है, CGTMS है, जिसमें 2 करोड़ तक का लोन मिल जाता है, जिसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई कोलेटरल देने की, कोई आपको कोई मॉर्गेज वगैरह लैंड की जरूरत नहीं होती। स्टैंड अप इंडिया है 1 करोड़ तक का, बेसिकली SC ST और वीमेंस के लिए है वो। तो इन सब स्कीम का आप लोगों को फायदा उठाना चाहिए। आप क्वेश्चन रेज करें, जितने भी डिपार्टमेंट है या बैंक है, आप पूछे कौन कौन सी स्कीम है, कुछ स्कीम वो बताएंगे भी। दो स्कीम जो बहुत पॉपुलर, जो बीमा की इंश्योरेंस की स्कीम है, आप सब लोगों को मेरी गुजारिश है आप देखें उसको लें। एक तो PMJJBY है, एक PMSBY है, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा जीवन बीमा योजना। सिर्फ 12 रुपये आपको देने पड़ेंगे पूरे साल, सिर्फ 12 रुपये। 12 रुपये कुछ भी नहीं होते मेरे ख्याल आप लोगों के लिए भी, तो 1 रुपया 1 महीने का आपको 2 लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाता है। कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, मतलब भगवान ना करे कोई ऐसी बात हो कभी, बट टाइम का पता नहीं होता। 12 रुपये देने के बाद यदि हमें 2 लाख रुपये तक कभी कुछ हो जाए, तो इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट, 12 रुपये तो हम ऐसे ही खर्च देते हैं। आई डोंट नो आप सभी लोग ले रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा देखें, खुद सोचें अपने दोस्तों परिवार को जे पुलाई के लिए। एक 330 रुपये की योजना है PMJJBY, उसमें किसी भी तरीके से डेथ हो जाती है, ना कि एक्सीडेंटल या कुछ भी हो जाता है नॉर्मल बीमारी से भी, उसमें भी 2 लाख तक। तो 330 रुपये भी एक साल में कोई मेरे हिसाब से ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो आप सोचें, बैंक वाले यहाँ बैठे हैं, आप उसके लिए अपने आप को रजिस्टर कराएं। तो और क्योंकि नॉर्मल बहुत सारे लोग हैं, बहुत पैसा नहीं है, तो 2 लाख रुपये कभी मुसीबत के टाइम में मिल जाए तो एक बड़ी बात है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, लोन बैंक कभी मना नहीं करता, बैंक हमेशा लोन देना चाहता है। क्या करते हैं कि भी आज की डेट में हम एक बारी लोन लेके उसके बाद ना देते नहीं है एक बारी, उससे क्या होता है, एक क्रेडिट हिस्ट्री जो हमारा होता है, एक रिकॉर्ड होता है, वो खराब हो जाता है कि दोबारा लोन नहीं मिल सकता। अंबानी से लेकर बहुत बहुत बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, जब उन्होंने काम शुरू किया था, उन्होंने छोटे लोन से शुरू किया था, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, अब करोड़ों के लोन उनको आराम से बैंक दे रहा है। उसका कारण सिर्फ यही है, अपनी रीपेमेंट हमेशा टाइम से करते रहे। यदि आप लोन वापस बैंक को देते हैं, तो बैंक आपको आगे बढ़ के लोन देता है, हमें तो ऐसा कस्टमर चाहिए जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती वापस पैसे। एक चीज रहेगी मैं आपको बताना जरूरी समझता, आप बहुत सारे लोगों के पास ATM कार्ड होगा जो आप यूज करते हैं, पर एक चीज ख्याल रखिए, ये ATM कार्ड ना आप पिन जो लगाते हैं, ये दो चीजें आप, एक तो इसको कभी किसी को देना, ठीक है, कभी पासबुक, क्या करते हैं कई लोग, क्या करते हैं ATM कार्ड लिया और एक पासबुक ली, दोनों किसी को बेच देते हैं, कभी 5,000 में बेच दिया, 2,000 में बेच दिया, वो आदमी यहाँ से मणिपुर का नहीं है, कहीं से भी जाके ले जाता है और कुछ लोगों से फ्रॉड करके इस अकाउंट में पैसा जमा करवाता है और निकालता रहता है, अल्टीमेटली वो पकड़ा जाता है। तो उसमें नाम आपका एड्रेस ना शेयर करें, यदि मेरी तो गुजारिश, इवन अपने हस्बैंड को भी ना दीजिए, ठीक है, थैंक यू। प्रथम धनलक्ष्मी पेंशन अमाउंट ₹50,000। प्रथम संगत सगत प्रथम इमोइनो सेल्फ हेल्प ग्रुप के कोल मनिंग लेकाय पेंशन अमाउंट रुपीज प्रथम जायफबी सेल्फ हेल्प ग्रुप के कोल मनिंग लेकाय पेंशन मुक्ति ब्रांड मथंग बुध पखंग सेल्फ हेल्प ग्रुप कई कोर
Jenil Tha, Self Help Group, Mongjam. Sanctioned by. Sanctioned by UBI Manti Pukri. Amna Pukri, Self Help Group, Mongjam. Yathanga, Hijam Bini Devi. Larsram Sarmila Devi. Nathangi Hiyam Sakiran Devi. Abhyadni Deya, Arsheti Trenus. Nathanga Ichan Konsam, Peace Pit SBI Purampa. Larsram Santosh Singh, SBI. Thank you, sir. Thank you very much.